हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। दोस्तों, आज हम जो कहानी लेकर आए हैं, इस कहानी से आपको हम ये बताना चाहते हैं कि पहनावा किसी के चरित्र का निर्णायक नहीं होता। समीरा एक और उसका पति रोहित कुछ दिन हुए मुंबई से बनारस ट्रांसफर होकर आए। दोनों ने आकर बनारस की एक अच्छी सी सोसाइटी में फ्लैट किराए से ले लिया और रहने लगे। समीरा की बिल्डिंग में ज़्यादा फ्लैट्स नहीं थे और उसकी मकान मालकिन आंटी भी उसी बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लैट में रहती हैं। काफ़ी बुजुर्ग और समझदार महिला हैं। आंटी और उसके पति अकेले रहते हैं। समीरा जब भी फ्री होती थी तो आंटी से मिलने और हालचाल पूछने चली जाती। आंटी के सान्य ने समीरा को अपने पेरेंट्स की कमी कम महसूस होती और आंटी भी समीरा में खुद की बेटी को देखती, जो कि मीलों दूर विदेश में जा बसी थी। समीरा का जन्म और परवरिश मुंबई में ही हुई थी और उसके माता पिता खुले विचारों वाले लोग हैं। उन्होंने कभी समीरा पर उसके पहनावे को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई। समीरा का पहनावा आधुनिक और वेस्टर्न स्टाइल का है, क्योंकि उसने बचपन से इसी तरह के कपड़े पहने हैं और वो इसी में कंफर्टेबल भी है। समीरा काफ़ी समझदार और सुलझी हुई है, पढ़ने लिखने में अव्वल और हाजिर जवाब। उसके माता पिता के प्रोत्साहन और उस पर भरोसे ने समीरा में गजब का आत्मविश्वास भर दिया था। समीरा के पति रोहित भी मुंबई के ही हैं और बिल्कुल समीरा के परिवार जैसा रोहित का परिवार भी है। बनारस आने के बाद समीरा ने बनारस के अच्छे प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज्वाइन कर लिया। रोहित अक्सर ही काम के सिलसिले में बाहर जाता आता रहता। ऐसे में समीरा ने बखूबी घर और बाहर की जिम्मेदारी उठा रखी है। समीरा अपने घर और जॉब के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर चल रही थी और समय समय पर आंटी की देखभाल और मदद भी करती रहती। समीरा के आधुनिक पहनावे के कारण धीरे धीरे वो कॉलोनी की दकियानूसी महिलाओं के चर्चा का विषय बनती जा रही थी। लोग उसके पहनावे से उसके चरित्र का आकलन करने लगे थे। आज शाम पार्क में महिलाएं उसी की चर्चा कर रही हैं। मुंबई से है, बड़े शहरों से है, वो वैसे भी लड़कियां ज़्यादा ही ओपन होती हैं। समीरा की पड़ोसन निशी बोली, और फिर पहनावा तो देखो, आज तक सूट या साड़ी में नहीं देखा, हमेशा जीन्स मिडी स्कर्ट ही पहनती है। आरती जी बोली, अरे भाई, मैंने तो इसे शॉर्ट्स में भी अपने घर में काम करते देखा है। समीरा के बाजू वाले फ्लैट की ऋतु बोली, दिन भर वेस्टर्न ड्रेस पहन जाने क्या क्या फ़ोन पर अंग्रेजी में गिटर पिटर करती रहती है और जब देखो कार उठाई और चल दी बाहर। भाई, औरत जैसा तो एक भी लक्षण नहीं है निशी में, निशी बोली। इस तरह के पहनावे वाली लड़की के चरित्र का भी क्या भरोसा। वैसे भी इसका पति भी कई कई दिनों शहरों से बाहर रहता है। बगल वाली बिल्डिंग में रहने वाली आशा जी बोली, और फिर मैंने कई लड़कों को भी आते जाते देखा है उसके घर। अब ऐसे कपड़े और चरित्र होगा तो लड़के तो आएंगे ही ना, ऋतु बोली। बस करो तुम लोग, पीछे बेंच पर बैठी सब कुछ सुन रही थी आंटी गुस्से से बोली। आंटी को देखकर सब चौंक गई, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, औरत होकर एक औरत के बारे में ऐसी बातें करते हुए, आंटी बोली। वो तो उसका रहन सहन और पहनावा ऐसा है, इसलिए हमें लगा, निशी ने आंटी को बोला। वो वेस्टर्न कपड़े पहनती है तो चरित्रहीन हो गई और आप लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई। पहनावा किसी के चरित्र का निर्णायक नहीं होता, आंटी महिलाओं के मंडली के बीच बैठी हुई बोली। तुम्हारी बेटी तो कभी वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती थी, हमेशा नीचे नजर करके चलती थी, किसी लड़के की ओर देखती भी नहीं थी। फिर तुम बिन बताए विजातीय लड़के से भागकर शादी कर ली, आंटी आशा से बोली। समीरा के चरित्र और संस्कार की मैं खुद गवाह हूँ। वो मुंबई की है, मॉडर्न फैमिली से है, खुले विचारों की है,
जो बचपन से देखा है, माँ बाप ने जो पहनाया है वो पहनती है, वो पहनावा उसकी आदत है, फैशन नहीं। और अगर किसी के पति नौकरी के चलते बाहर आता जाता है तो वो महिला चरित्रहीन कैसे हो गई? रोहित की अनुपस्थिति में अकेले घर संभालती है, जॉब करती है, तो गाड़ी तो चलाएगी ही ना, अब घर बैठकर बैठी रहे दिन रात, तो कार की जरूरत थी क्या? आंटी ने निशि की ओर देखा, उसके घर जवान लड़के नहीं बल्कि उसके स्टूडेंट्स आते हैं एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए। आप लोगों को जवान लड़कों और आठवीं में पढ़ने वाले बच्चों में फर्क नहीं दिखता? और ये भी नहीं दिखता कि साथ में लड़कियां भी आती हैं। रितु, तुझे समीरा के घर आते जाते लड़के दिख गए, और उस दिन जब मैं तुझे देख जोर जोर से मदद के लिए बुला रही थी क्योंकि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी, तो तूने देख कर भी अनदेखा कर दिया था, तब समीरा ने ही मेरी मदद की। उसके घर शाम को कौन आता है कौन जाता है मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर शाम के वक्त उसी के घर होती हूँ, क्योंकि जब से मेरा टीवी खराब हुआ है मैं शाम का सत्संग समीरा के टीवी में ही देखती हूँ। आप लोग भी महिलाएं हैं, पारिवारिक हैं, फिर उस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। किसी भी लड़की का चरित्र का निर्णय सिर्फ उसके पहनावे से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहनावा उसके कल्चर को दिखाता है, चरित्र को नहीं। आंटी ने सभी महिलाओं को बोला और सभी महिलाओं ने एक दूसरे को देखने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें जरूर बताइए, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे समाज में लड़की चाहे जो पहने उसे गलत नजरिए से ही देखा जाता है। तो अगर आप हमारी इस कहानी से सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। क्या लड़कियों को दूसरों समाज की वजह से अपने पहनावे को बदलना चाहिए या नहीं? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।